हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग आप लाइटरूम ऐप के अंदर बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, वरना आप लोग इस टाइप की एडिटिंग नहीं कर पाओगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना वीडियो को। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले चले जाना हमें लाइटरूम ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मैं यहाँ से आ चुका हूँ अपने लाइटरूम ऐप के अंदर। यहाँ से चले जाना हमें, यहाँ पर ऑल फोटोज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ऑल फोटोज़ पर चले जाना है। इसके बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही साथ हम यहाँ पर आ जाएंगे। हमें जो भी फ़ोटो एडिट करना है हम उस पर टैप करेंगे सिंपली, और यहाँ राइट साइड में नीचे की साइड ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड का। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा फ़ोटो ऐड हो जाएगा यहाँ पर लाइटरूम ऐप के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, इस पर टैप करेंगे हम अपने फ़ोटो पर, तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे एडिटिंग पर। तो गाइस, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एडिटिंग। सो गाइस, आपको सबसे पहले चले जाना है यहाँ से लाइट के अंदर। यहाँ पर लाइट के अंदर एक्सपोजर पर चले जाना है। एक्सपोजर को हल्का सा हम इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ से मैं कर लेता हूँ 1.00 EV कर लेता हूँ मैं यहाँ से एक्सपोजर को। इसके बाद हम आते हैं अपने कॉन्ट्रास्ट पर, इसको कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज़ कर लेना हमें 20 के आसपास कर लेना आप। तो यहाँ से मैं रख लेता हूँ 21। दैन इसके बाद हम आते हैं अपने हाईलाइट्स पर, हाईलाइट्स को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे 20 के आसपास रख लेना। तो मैं यहाँ पर 17 रख लेता हूँ, यहाँ 20 के आसपास रख लेना। दैन इसके बाद हम आते हैं अपने ब्लैक्स पर, ब्लैक्स को हम माइनस में रखेंगे हल्का सा, 30 के आसपास रख लेना माइनस। तो मैं यहाँ से रख लेता हूँ 34। देन इसके बाद हम आते हैं अपने कलर्स पर, यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हमें टेम्परेचर को हल्का सा माइनस कर लेना है, मैं -2 कर चुका हूँ, आपको भी -2 कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको मिक्स कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टैप करते ही आप मिक्स कलर पर आ जाएंगे। यहाँ पर रेड कलर दिख रहा होगा, रेड कलर का सेचुरेशन को हम हल्का सा माइनस कर देंगे -2 के आसपास। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कलर पर, इसके लुमिनस को हम हल्का सा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से हल्का सा इंक्रीज़, तो यहाँ से मैं कर लिया हूँ 30 कर लेता हूँ। इसके बाद हम आते हैं अपने येलो कलर पर, येलो कलर पर आने के बाद हमें सेचुरेशन को 30 के आसपास रख लेना। तो मैं सेचुरेशन को कर लेता हूँ इंक्रीज़, तो यहाँ से मैं रख लेता हूँ 36 रख लेता हूँ मैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टैप करते साथ यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद हम आते हैं अपने इफ़ेक्ट्स के अंदर, इफ़ेक्ट्स के अंदर आने के बाद इसके टेक्सचर पर आते हैं हम, इसको हल्का सा प्लस कर देना, टेक्सचर को 2 के आसपास रख देना। देन इसके बाद हम आते हैं अपने क्लैरिटी पर, क्लैरिटी को हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे 30 के आसपास रख देना क्लैरिटी को। तो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ से, 32 कर लिया हूँ मैं। तो इसके बाद हम आते हैं अपने डिहेज पर, डिहेज को हम इंक्रीज़ कर लेंगे 70 के आसपास रख लेना आप। तो यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, मैं 75 कर लेता हूँ। इसके बाद हम आते हैं अपने वेगनेट पर, वेगनेट को हम माइनस में रखेंगे। तो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, -29 के आसपास रख देना आप। तो इसके बाद हम आते हैं अपने डिटेल्स पर, डिटेल्स पर आने के बाद हमें शार्पनिंग को हल्का से 2 के आसपास इंक्रीज़ कर देना है, एंड देन डिटेल्स को हमें 31 के आसपास रख देना है। इसके बाद हम आते हैं नॉइज़ रिडक्शन पर, इसको भी हल्का सा 1 के आसपास इंक्रीज़, एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन को हल्का सा इंक्रीज़ कर देना है 3 के आसपास। देन गाइस, हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है। आप इसके बाद जाते हैं हम ये ऑप्टिक्स के दोनों ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। इसके बाद हमारा फ़ोटो कम्प्लीटली एडिट हो चुका है। आप इस पर टैप करके देख सकते हैं हमारा बिफोर फ़ोटो कैसा था पहले का, एंड देन आफ्टर हमारा फ़ोटो कैसा लग रहा है। सो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो गाइस, इसके बाद हम चले जाते हैं फ़ोटो को सेव करने के लिए। यहाँ से शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर करने के बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है सेव टू डिवाइस, इस पर क्लिक कर दिया हमारा फ़ोटो सेव हो जाएगा गैलरी के अंदर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।